ફરી આપની કંપની પર આપનું અને હવે અન્ય કંપનીના મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. ગેટવે ડિસ્ટ્રી પાર્ક્સ પરિણામ અંતર્ગત કંપનીના સીએમડી પ્રેમ કિશન ગુપ્તા આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. સર, ગુડ આફ્ટરનૂન, સ્વાગત હૈ આપકા ઓર હમારી ટીમ કી ઓર સે ફેસ્ટિવ ગ્રીટિંગ આપકો. સબસે પહેલે સર, શરૂઆત કરેંગે હમ અર્નિંગ્સ કો સમજને કે લિયે. ઇકોનોમિક એન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ સિચ્યુએશન જો હૈ ઇન ધ ક્વાર્ટર, આપ કૈસે દેખ રહે હૈ અભી આગે ચલ કે? धन्यवाद चांदनी, आपको और आपके दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं. इकोनॉमी को देखते हुए अभी इस वक्त ट्रांसपोर्ट का जो सिचुएशन है, रेल का अच्छा जा रहा है और रेल से हिंटरलैंड में इंपोर्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स में अब थोड़ा सा स्लो डाउन नज़र आ रहा है. तो ये थोड़ा पीरियोडिकल भी होता है. Q3 में थोड़ा एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं क्योंकि फेस्टिवल सीजन की शिपमेंट्स सारी सितंबर तक हो जाती हैं. तो नॉर्मल एक्सपोर्ट्स अभी भी पाइपलाइन में है और उम्मीद करते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा ट्रेड बढ़ेगा, भारत का एग्जिम ट्रेड बढ़ेगा, तो उसमें एक्सपोर्ट भी अगर आगे अच्छा रहेगा तो उसमें हमारा बैलेंसिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेल बिजनेस में उसमें हमको फ़ायदा होगा. जी, डेफिनेटली. साथ ही सर, नेक्स्ट वॉल्यूम टारगेट फॉर द ईयर आपके पास से जानना चाहेंगे. स्पेशली जो अर्लियर कंपनी ने कहा था विल ग्रो वॉल्यूम्स बिटवीन 10-15%, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, रेल वॉल्यूम में हमारी ग्रोथ डेफिनेटली अच्छी जा रही है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो करीब 11-12% रही है और CFS वॉल्यूम्स फ्लैट हैं. और रेल में हमारी ये सिचुएशन रहेगी कि हम वॉल्यूम्स अपने बढ़ाते रहेंगे. अब डिपेंड करता है कि एग्जिम ट्रेड, क्योंकि ये थोड़ा सा वॉर सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल जो इसराइल और अरब कंट्रीज़ का में, और दूसरा वॉर तो लंबा वॉर चल ही रहा है यूक्रेन और रशिया का, उससे सप्लाई चेन कितनी इफेक्ट होती है वह ये देखना है. लेकिन अभी इंडिया की कंजम्पशन और इंडिया का GDP भी अच्छा है, तो उस हिसाब से ग्रोथ हमें बिजनेस में, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन एक अहम भूमिका निभाता है, तो वो डेफिनेटली रहेगा. ओके, आगे अगर बात करें सर कैपेक्स के ऊपर, तो अमाउंट जो है कैसे यहाँ से रहेगा कैपेक्स के लिए और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एडिशन कुछ यहाँ से? कैपेक्स हमारा अभी जो इस साल में और पिछले साल के एंड में हुआ है, उसमें लगभग हमने 60-70 करोड़ का कैपेक्स करा है और करीब 50 करोड़ का कैपेक्स हमारा मार्च तक हमारा हो जाएगा. इससे जयपुर टर्मिनल जो कि जिसकी कंस्ट्रक्शन में मेनली ये पैसा जा रहा है, तो जयपुर का टर्मिनल नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में ऑपरेशनल हो जाएगा. तो उससे एडिशनल वॉल्यूम्स हमको मिलेंगे और जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स हैं उसमें तो हमारी कैपेसिटी काफ़ी है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम्स वहाँ पर अपने हम अपना मार्केट शेयर बढ़ाएँ, उतना एफर्ट उस तरफ भी अच्छी तरह से हो रहा है. और काशीपुर टर्मिनल जो हमने लास्ट ईयर लिया था दिसंबर में, उसमें रेगुलर बिजनेस लगभग 3,000 कंटेनर्स का पर मंथ हम मेंटेन कर रहे हैं और आगे वो बढ़ने की भी उम्मीद है उसमें. ओके, अभी सर लैंड के ऊपर आउटलुक आपका जानना चाहेंगे. लैंड जो है कंपनी के पास, तो ऑन द प्लान फॉर लैंड जो अपने कंपनी ने यहाँ से योजना बनाई है और स्पेशली कंपनी इज एक्सपेक्टिंग सिमिलर एबिटा लेवल्स जो कि है अबाउट CFN ICD बिजनेस के ऊपर, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, CFS बिजनेस अब ऑलमोस्ट फ्लैट है क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी गवर्नमेंट ने शुरू कर दी है, तो 60-65% वॉल्यूम जो पोर्ट्स पे आते हैं वो सारे डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी कस्टमर्स के पास चले जाते हैं. तो बाकी बिजनेस के लिए काफ़ी CFS हैं, तो कंपटीशन भी है और गेटवे का, लेकिन क्योंकि सबसे पुराना और सबसे पहला प्राइवेट CFS था, तो उसमें हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं और हम जो एडिशनल फैसिलिटीज़ डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी के कंटेनर्स भी लेके आते हैं और वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज़ उनको दे रहे हैं. तो CFS में जहाँ तक आगे आने वाले टाइम में हम कोई नई एडिशन नहीं कर रहे हैं और उसमें बिजनेस हमारा फ्लैट रहेगा. रेल जहाँ तक हमारा है, रेल में हमारा एक्सपेंशन जैसे जयपुर का टर्मिनल आ रहा है जिसका कि कैपेक्स हमने ऑलरेडी प्लान कर लिया है, और अगले 2 साल में मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 में और फाइनेंशियल 26 में एक एक टर्मिनल और ऐड करेंगे, तो उसमें टोटल 200 करोड़ का कैपेक्स हम उसमें डालेंगे.
तो वहाँ एडिशनल वॉल्यूम्स, ये नेटवर्किंग हमारी नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में काफ़ी, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में काफ़ी नेटवर्किंग हो जाएगी आईसीडी टर्मिनल्स की, तो उससे हमारा डेफिनेटली प्लान्स में आईसीडी में हम काफ़ी उम्मीद रखते हैं कि ये रेल मूवमेंट आगे आने वाले कई सालों तक एक्सपेंशन का इसमें स्कोप है और बिजनेस बढ़ोतरी की उम्मीद है। जी डेफिनेटली, काशीपुर इंफ्रा के ऊपर तो वैसे काफ़ी आपने मेंशन किया सर, बट वॉल्यूम्स जो है कैसा यहाँ से शुरू होता आप देख रहे हो, और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रन रेट जो है इसके ऊपर क्या कहेंगे? अभी जो वॉल्यूम है वो लगभग 3,000, 3,000 से ऊपर ही है पर मंथ, इतना ही हमने एक्सपेक्ट करा था। वहाँ से हम अगले 3-4 साल में 7-8 हज़ार कंटेनर्स तक कर सकते हैं, कैपेसिटी है। तो जिस हिसाब से प्लान करा था उसी हिसाब से बिजनेस वहाँ पर आ रहा है, और आगे भी अब जैसे धीरे धीरे हमारी सर्विसेज लोगों ने देख ली हैं तो और भी वहाँ के एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स हम लोगों को बिजनेस देने की आगे बात कर रहे हैं। ओके, डेट के फ्रंट पर अगर बात करें, नेट डेट जो है सर रिड्यूस होता हम देख रहे हैं, तो क्या ज़्यादा डेट कंपनी लेगी फॉर फर्दर कैपेक्स? क्योंकि दिसंबर 2022 में जो था 349 करोड़, अभी अगर सितंबर 23 तक देखे तो 314 करोड़ पे देख रहे हैं, तो इसके ऊपर से कमेंट्स आपके? डेट धीरे धीरे, जो पुराना डेट है वो हम पे करते जाते हैं, और इस साल के एंड में ये नेट डेट हमारा और कम होगा, और आगे कैश फ्लोज भी अच्छे हैं तो उसमें हम अपना अपने कैश फ्लो से प्लस नया डेट लेके, तो नेट डेट सिचुएशन हमारी अच्छी ही रहेगी, बिलो 1:2 द एबिटा रहेगी, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। हमारी पॉलिसी अपने जिस हिसाब से हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पुराने लोन्स पे करते हैं, और जो भी एडिशनल कैश फ्लो जनरेशन होता है उसको हम अपने कैपेक्स में ही डालते हैं। जी, आगे सर अगर बात करें ओवरऑल अर्निंग्स के ऊपर, स्पेशली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसमें भी एक काफ़ी इजाफा देख रहे हैं 23.5% तक, तो नंबर्स को लेकर कहाँ एक पॉजिटिव फैक्टर्स आपको लग रहे हैं कि यहाँ से एक सपोर्टिव फैक्टर आपके अर्निंग्स के लिए रहा, और कहीं ना कहीं और कुछ कंसर्न आप देख रहे हैं आगे? नहीं, ऐसा कोई कंसर्न नहीं है। ये पैट जो बड़ा है उसमें मेन कारण ये है कि काफ़ी हमारी एसेट्स जो है डेप्रिशिएट कर, फुली डेप्रिशिएट कर चुके हैं, तो इस वजह से मतलब वहाँ पर डेप्रिसिएशन कम हुआ है, और अभी हमारा हम लोग मैट टैक्स भर रहे हैं क्योंकि अभी भी हम एलिजिबल हैं, और उसके बाद मैट यूटिलाइजेशन करेंगे तो 2031, 2032 तक हमारा ये मैट यूटिलाइजेशन कंप्लीट होगा, तो तब तक हमारी ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्निंग्स भी अच्छी रहेंगी। और जैसा मैंने कहा कि नए टर्मिनल्स बनेंगे तो उनका वॉल्यूम्स ऐड होता जाएगा, और उसमें हम अपनी अपना इविडा मार्जिन वहीं पर ही रखना चाहते हैं, तो इविडा मार्जिन उसी रेंज में रहेगा 25 से 27% के, और एब्सोल्यूट टर्म्स में इविडा नंबर बढ़ जाएगा। ओके, एंड सर लास्टली जानना चाहेंगे कंपनी का कुछ आगे प्लान टू इंक्रीज द स्टेक इन स्नोमैन लॉजिस्टिक्स? हम ऑलरेडी उसमें धीरे धीरे अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। इस साल के शुरू में 40.25% था, और अभी दिवाली मुहूर्त पे भी हमने कुछ शेयर्स खरीदे तो इस वक्त 43.26%, लगभग 3% हमने इस साल में ले लिया। तो अंडर ट्रीपिंग एक्विजिशन हम लोग इस साल, अगले साल जैसे भी कैश फ्लो सिचुएशन होगी गेटवे में, तो हम अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा बिजनेस है स्नोमैन का, और आगे जाके इसमें मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट काफ़ी बढ़ने वाला है। जी सर, काफ़ी डिटेल्स आपने सर हमारे साथ शेयर किए हैं यहाँ से, थैंक यू जुड़ने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन सर। थैंक यू, नमस्कार।